ऐसी बीमारी है जिसका यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो ना केवल ये बीमारी बिगड़ जाती है बल्कि संक्रमित व्यक्ति एक साल में 10 से 15 लोगों को उपहार स्वरूप ये बीमारी दे सकता है। टीबी के मरीजों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्टिव केस फाउंडिंग नामक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान एक माह तक चलेगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगे। इस दौरान जिस भी व्यक्ति में इस बीमारी के लक्षण प्रतीत होंगे उसकी जांच और उपचार तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाएगी। मौजूदा समय में जिले की बात करें तो 1423 मरीज विभाग के पास रजिस्टर्ड हैं और 54 ऐसे मरीज हैं जिनकी टीबी बिगड़ चुकी है। ऐसे मरीजों को अब लंबे समय तक दवाई का सेवन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाएं चल रही हैं। इसमें मरीज की जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं निशुल्क हैं। सरकार द्वारा इसे नोटिफाइएबल डिसीज घोषित किया जा चुका है, यानी कि यदि किसी प्राइवेट अस्पताल में टीबी का मरीज जाता है तो अस्पताल के संचालकों को इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होती है। लेकिन करनाल जिले में इसकी पालना पूरी तरह से नहीं हो रही है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी CMO डॉक्टर सिमी। डॉक्टर सिमी यहां पर जो हमारे ज़िले में टीबी का जो भी सिस्टम है उसके इंचार्ज माने हैं, उनके इंचार्ज हैं और यहाँ पर जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं वो इनके अंडर ही चलाई जाती हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगी कि मौजूदा समय में हमारे ज़िले में टीबी जैसी बीमारी को लेकर क्या हालात हैं और इसको इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद तरुण जी, नमस्कार सभी को। मैम, टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, पर ही टीबी के इलाज संभव है बशर्ते कि उसको अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए। तो मैम, अगर हम बात करें कि सबसे पहले एक किस तरह के सिम्टम्स को हम टीबी के रूप में देखते हैं और किस तरह के सिम्टम्स अगर हों तो बंदे को अपना या व्यक्ति को अपना इलाज के लिए तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तरुण जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि टीबी की दो तरह की टीबी होती है। एक होती है पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों की टीबी और एक होती है शरीर में किसी भी हिस्से की टीबी। हमारे बाल और नाखून को छोड़कर किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है। तो जो फेफड़ों की टीबी होती है उसके मुख्य लक्षण होते हैं 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी, बुखार आना, बलगम में खून आना, भूख ना लगना, वजन कम होना, रात में पसीना आना इत्यादि। और अगर किसी और शरीर में किसी और रंग की टीबी हो जाती है तो उस हिस्से में जैसे दर्द रहना या शरीर में गांठे हो जाना और साथ में ये जो सिम्टम्स जो होते हैं जो भूख ना लगना, बुखार आना, ये सिम्टम्स रहते हैं साथ में। किस तरह की टीबी हमारे ज़िले में अधिक है? हमारे ज़िले में जो फेफड़ों की टीबी है वो ज़्यादा पाई जाती है। वैसे भी जो डाटा कहते हैं कि 70% टीबी जो होती है फेफड़ों की होती है, 30-40% टीबी जो होती है वो शरीर में अन्य किसी हिस्से की हो सकती है। डॉक्टर सिमी ने हमें विस्तार से बता दिया कि टीबी 2 प्रकार की होती है, एक तो फेफड़ों की टीबी और बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में टीबी होती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्या कारण हैं और ये उन्होंने हमें बता दिया। मैम, एक चीज़ बताइए कि जो टीबी है उसको गवर्नमेंट नोटिफाइएबल डिसीज़ किया घोषित किया हुआ है, यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई मरीज आता है कि जो टीबी की बीमारी से ग्रस्त है उसको आपको सूचित करना पड़ता है और उसकी जो दवाएं हैं वो आपके माध्यम से चलाई जाती हैं। इतना ही नहीं, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के प्रत्येक मरीज को 500 रुपये आर्थिक तौर पर उसको प्रदान किए जाते हैं उसकी उसके खान पान के लिए, उसकी पौष्टिक डाइट के लिए। तो मैम, अगर हम बात करें तो क्या करनाल के ज़िले के जितने भी हॉस्पिटल हैं क्या वो इस जो है अधिसूचना की पालना कर रहे हैं? जी, सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है, एक निक्षय पोर्टल चलाया है जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो जब भी कोई टीबी का मरीज़ नोटिफाई होता है तो उसको निक्षय पोर्टल पर चढ़ाना होता है, तो उससे उसकी एक यूनिक ID जनरेट होती है कि जिसको निक्षय ID कहते हैं। तो ये हमारे सारी सरकारी संस्थाओं में तो पोर्टल चल रहा है, इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मोस्टली रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे, तो वो लोग भी अपने पेशेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं। पर इस साल हमें ये देखने में आया है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का नोटिफिकेशन कम है, ओनली 24% है। तो मैं आपके माध्यम से सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अनुरोध करना चाहूँगी कि प्रत्येक मरीज़ को रजिस्टर करने का कष्ट करें ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ TB पेशेंट्स पता चल सकें।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सरकार ने इस टीबी को नोटिफाइएबल डिजीज़ किया जा घोषित किया जा चुका है, यानी कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टीबी का कोई मरीज पाया जाता है तो उसको इसकी सूचना सरकार को देनी होती है, स्वास्थ्य विभाग को देनी होती है, ताकि उसकी निक्षेप पोर्टल आईडी बनाई जा सके और उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन करनाल के निजी अस्पतालों में इस साल जो देखने में आ रहा है कि वो इस सूचना की पालना नहीं कर रहे, मात्र 24% उनकी जो है औसत आ रही है, जो कि काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग हमारे माध्यम से, समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से, उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों से अपील करता है कि अगर उनके पास कोई टीबी का मरीज आता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकारी अस्पताल को दे, ताकि मरीज को जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनका लाभ मिल सके। मैम, एक टीबी के मरीज में लक्षण आपने हमें बता दिया जी, टीबी की जांच कैसे की जाती है और पुष्टि कैसे होती है? टीबी के मरीज को, जो कि मैंने आपको लक्षण बताया, अगर ऐसा किसी लक्षण किसी मरीज में आता है होता है तो वो तुरंत ही सरकारी, जो उनके नज़दीक सरकारी अस्पताल है उसमें जाएं, तो उसकी फ्री जो बलगम जांच की जाती है, बलगम जांच में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत उसका इलाज फ्री में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा उन मरीज़ों के अच्छे पोषण के लिए 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है उसके खाते में डलवाए जाते हैं। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में कितने ऐसे टीबी के मरीज हैं जो कि सरकार के निक्षेप जो योजना है, निक्षेप पोषण योजना, उसका लाभ ले रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 1423 केस जो एक्टिव केसेस हैं, जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर इस साल जो हमने है अपना 77% अचीवमेंट की है अपने टारगेट की, जिसमें से कि पब्लिक सेक्टर से 106% अचीवमेंट है हमारी, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। देखिए, मैं आपको एक बार ये बता दूं कि सरकार ने जो आर्थिक योजना, आर्थिक तौर पर टीबी के मरीजों की जो सहायता देनी थी, आज के समय में, मौजूदा समय में 1423 मरीज ऐसे हैं जो कि सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा जो इनका सक्सेस रेट है वह अभी काफ़ी अच्छा है और ये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैडम, अब आपका एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप स्टार्ट होने वाला है, मैम इसका क्या मतलब वो है और ये कब से कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ चलेगा? हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है वो 5 जनवरी से 5 फरवरी तक एक महीना पूरा चलेगा। इसमें जो हमारे एरिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जैसे कि स्लम्स हैं, ब्रिक किलन्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और ये जो रोड साइड पे जो हमारे जो बंजारे वगैरह बैठे रहते हैं, नोमैड्स हैं, तो इनमें एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर टीबी के मरीजों की खोज करेंगे और उनका स्पूटम सैंपल कलेक्ट करेंगे और उनको तुरंत ट्रीटमेंट पे डाला जाएगा इनको। कितने सदस्यों की ये टीमें बनेंगी और जो स्पूटम की जो जांच, जो स्पूटम के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट कितने दिनों तक आ सकती है? एक टीम में हमारे 2 मेंबर्स होंगे, एक हेल्थ वर्कर होगा और एक आशा वर्कर होगी, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और जो स्पूटम सैंपल कलेक्ट करके उसका जो टेस्ट होगा, रिपोर्ट सेम डे या नेक्स्ट डे तक हमें मिल जाएगी। देखिए, हमें डॉक्टर सिमी ने बता दिया कि इनका टीबी को रोकने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम चलेगा 5 जनवरी से 5 फरवरी तक। इन्होंने एरियाज़ भी बता दिए, स्लम एरियाज जैसे भट्टे हो गए, स्लम एरियाज़ हो गए, रोड साइड पर बैठने वाले लोग हैं, उनके उनके घर घर जाकर उनकी सैंपल लिए जाएंगे, उनके स्पूटम के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट सेम डे या उसके अगले दिन आ जाएगी, जिसके अंदर भी वो टीबी के लक्षण पाए जाएंगे उसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि टीबी का इलाज और उपचार हर तरह से निःशुल्क है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इतने इलाज तो निःशुल्क है ही है, साथ ही साथ मरीज को, जो टीबी का मरीज है, टीबी का मरीज है, उसको भी, उसको 500 रुपये प्रति, जो सॉरी, उसको 500 रुपये दिए जाते हैं आर्थिक सहायता के लिए, ताकि जब तक उसका इलाज चलेगा। मैडम, एक टीबी होती है MDR जी, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जब किसी मरीज़ का टीबी का इलाज शुरू होता है तो हम उनको सलाह देते हैं कि वो इलाज अपना पूरा करें, परंतु क्या होता है कि मरीज़ 1-2 महीने का इलाज लेता है, उसको थोड़ा ठीक फील होने लगता है तो वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया, वो इलाज बीच में छोड़ देता है, तो वो फिर बाद में जो सिम्टम्स फिर अपीयर होते हैं तो वो MDR टीबी के रूप में आते हैं, क्योंकि उन पे जो पहले जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इसके लिए हमारा स्पेशल टेस्ट होता है CBNOT। CBNOT से हमें ये पता चल जाता है कि वो अब पेशेंट जो है उसके जो बैक्टीरिया है उस पर कौन सी दवाई असर करेगी। तो मेरी जनता से यही अपील है कि अगर उनका टीबी का इलाज शुरू हो जाता है तो प्लीज़ बीच में ना छोड़ें, नहीं तो ये बाद में MDR टीबी के रूप में सामने आती है, जिसका कि इलाज भी लंबा है और थोड़ा तकलीफ दे भी होता है। अगर हम बात करें करनाल जिले की, तो इस समय मौजूदा समय में
औसतन मतलब एवरेज अगर हम निकाल कर चले तो कितने ऐसे मरीज हैं जो कि एमडीआर की तरफ जो बीच में अपना इलाज छोड़ देते हैं और जो एमडीआर की तरफ चले जाते हैं जिसका इलाज भी लंबा है और नुकसान भी ज़्यादा होता है, रिकवरी रेट भी कम आ जाता है। मैम औसतन कितने मरीज ऐसे आ जाते होंगे? हमारे ज़िले में 54 के करीब हमारे एमडीआर के केसेस चल रहे हैं और ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो करनाल एरिया में और घरोंडा एरिया में हैं। डॉक्टर सिमी, जिन्होंने विस्तार से बता दिया, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जब टीबी होती है, टीबी का इलाज कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो महीने दो महीने में जब अपने आप को थोड़ा सा राहत भरा महसूस करते हैं तो उस दवा को वो छोड़ देते हैं, जबकि इनका ये कहना है कि जो टीबी की दवा का इलाज है वो 6 महीने 9 महीने या बीमारी के अनुरूप चलता है। इनकी अपील है जनता से इस समय कि वह को जो भी व्यक्ति अगर टीबी की बीमारी से ग्रस्त है वह अपने इलाज को बीच में ना छोड़े, नहीं तो अन्यथा वह बिगड़ी हुई टीबी, हम उसको देसी भाषा में कह सकते हैं, एमडीआर को हम बिगड़ी हुई टीबी कह सकते हैं, जिसका इलाज भी लंबा है, जिसमें मरीज को नुकसान भी अधिक होता है, दवाई भी अधिक खानी पड़ती हैं और जो ना चाहते हुए कभी ना कभी जानलेवा भी बन सकते हैं। करनाल जिले में इस समय 54 पेशेंट ऐसे हैं जो कि एमडीआर टीबी की दवा ले रहे हैं, हालांकि उनकी दवा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। मैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से और डॉक्टर सिमी के माध्यम से फिर एक बार जनता से अपील करूंगा कि अगर उनमें किसी भी तरह के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि जो कि टीबी से संबंधित हों तो वे अपना इलाज तुरंत करवा लें, वे अपनी जाँच अवश्य करा लें। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी का इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। मैं तरुण बदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.